Bye. एंड वेलकम बैक टू द चैनल और हैप्पी संडे कैसा आपका संडे जा रहा है मुझसे बताइएगा जरूर शेयर जरूर कीजिएगा और क्या कुछ आप स्पेशल कर रहे हैं मैं भी कुछ स्पेशल करने वाली हूँ चार बज गया है और अभी से मैं डिनर की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा अर्ली डिनर करना है ताकि रात में हम फ्री हो सकें और कोई मूवी वगैरह देख करके आज का दिन थोड़ा स्पेशल बना सकें क्योंकि बाहर तो ऐसे जा नहीं सकते हैं तो घर में ही कुछ अलग करके कुछ स्पेशल करके ऐसा कुछ जो आपको खुशी दे हैप्पीनेस दे वो करके हमें खुश रहना है तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि सारा काम हम अपना जल्दी जल्दी फिनिश करके खाना वाना खा के और फिर आज एक मूवी देखने वाले हैं तो उसी मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ आज मैं आपको दो अपने किचन के न्यू मेहमानों से भी मिलाने वाली हूँ और उनका रिव्यू भी करने वाली हूं वो है इधर मेरे पीछे आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने न्यू स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर जो कि है इंदूज वैली ब्रांड से तो आपको तो पता ही है इंदुज वैली फेमस है अपने कास्ट आयरन के बर्तनों के लिए बहुत अच्छे रिव्यूज हैं इनके और मैं खुद भी पर्सनली कास्ट आयरन का जो मेरा छोटू वाला कढ़ाई है ना कास्ट आयरन का वो इंदुज वैली का ही यूज कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद आया मेरे पास कई ब्रांड के कास्ट आयरन है बट वो जो छोटी कढ़ाई है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है कई बार मैंने आप लोगों को साथ शेयर भी किया है तो रिसेंटली इंदुज वैली ने अपने स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर्स भी लॉन्च किए हैं और स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर कहना बहुत हल्का होगा एक्चुअली इन्होंने लॉन्च किया है हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील कुकवेयर जिनमें से दो ये मेरे पास आए हैं एक है ये स्टॉक पैन जो हमारी इंडियन कुकिंग में सिर्फ स्टॉक के लिए नहीं राइस बिरयानी इवन तरी वाली सब्जी कोरमा इन सब बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है जैसा इसका डिज़ाइन है वैसा ही ये सॉस पैन का डिज़ाइन है और इनकी पैकेजिंग देख के तो मैं बहुत खुश हो गई थी पैकेजिंग बहुत ही इको फ्रेंडली थी कहीं भी प्लास्टिक एंड थामाकोल जैसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ था इवन ये जो लिड है ना इसको भी बहुत ही आ, सेफ तरीके से पैक किया गया था ताकि इसमें कुछ भी दिक्कत ना हो क्योंकि तो स्टील का जो नेचर होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है मतलब वो आपके फूड के साथ में रिएक्ट नहीं करता और उसकी लीचिंग भी नहीं होती है फूड में तो आपके खाने का एट्टी न्यूट्रिशन इंटेक्ट रहता है स्टील कुकवेयर यूज़ करने के फायदे तो हम सभी जानते हैं लेकिन इन बर्तनों में क्या खास है मैं आपको बता देती हूँ तो सबसे पहला तो ये कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी बहुत ही गुड क्वालिटी स्टील से बने हुए हैं ये कुकवेयर हैवी है ड्यूरेबल है सालों साल चलने वाले हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे आप लीड देख सकते हैं जो कि हाई क्वालिटी है साथ ही इसके अंदर ये जो रिम लगा हुआ है ये मैजिकल है मतलब जब भी आप इस पर कुछ खाना कुक करते हैं और ये अगर गर्म रहेगा तो ये रेड टर्न हो जाएगा और जैसे ही ये कुकवेयर ठंडा होगा ये फिर से इस कलर में टर्न हो जाएगा तो ये सबसे अच्छी बात है आपको देख के हाँ mm दिए हुए हैं जिसकी वजह से आप इजिली इसके अंदर काम करोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है आपको काफी अच्छा इसका डिजाइन यहाँ पे दिया हुआ है हैंडल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अलग और अच्छे डिजाइन के हैं बेस जो बर्तन का है ये एकदम फ्लैट है इंदूज वैली का ये स्टॉक पैन कैपेसिटी वाइज फोर लीटर का है ये देखिए यहाँ पे आपको ब्रांड का नेम मिल जाता है देन यहाँ पे आपको कैपेसिटी दी हुई है इसका वेट जो है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कि इस बर्तन का जो वेट है वो कितना है ये कुकवेयर फुल्ली क्लैड है मतलब इसमें जो थ्री लेयर्स हैं ट्राईप्लाई है तो इसके अंदर थ्री लेयर्स हैं जो कि पूरा बेस से लेकर रिम तक है स्टेनलेस स्टील में दो तरह के कुकवेयर आते हैं एक तो फुल्ली क्लैड होते हैं जैसा कि ये है और सेकंड आते हैं इस तरीके के जो कि होते हैं सैंडविच बॉटम जिसके अंदर थ्री लेयर्स तो होती हैं, ये बट ओनली बॉटम से होते हैं तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील के गुड क्वालिटी के बर्तनों पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमेशा फुल्ली क्लैड मतलब ट्राई प्लाई बर्तन लें जो कि पूरा बेस से लेकर रिम तक उसमें ट्राइप्लाई यूज़ किया हो और जब मैं बात कर रही हूँ इसकी तो मैं इसकी भी साथ में बात कर रही हूँ बिकॉज इस सेम रेंज है क्योंकि ये बर्तन ट्राइप्लाई हैं, तो इनके अंदर तीन लेयर यूज़ की गई हैं, अपर लेयर स्टील की है अंदर का जो है वो भी स्टील का है लेकिन इनके बीच में अलमिनियम के एक लेयर है एल्मोनियम की अगर बीच में लेयर होती है तो उससे हीट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इवन होता है ये बर्तन 100% परसेंट फूड सेफ मटेरियल से बने हुए हैं और इनमें किसी भी तरीके की केमिकल कोटिंग नहीं की गई है तो अगर आप भी गुड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छे बर्तनों की तलाश में है तो ये डेफिनेटली एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है आपके लिए इसकी और डिटेल आपको जाननी है तो आप इंदोज वैली की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं इसका प्राइस एंड ऑल वहाँ पे सब कुछ अच्छी तरीके से मेंशन है

सिद्धार्थ ऐसे ऐसे उनका खाने से पहले सोचा की चलिए गर्मा गर्म कड़क चाय पी जाए तंदूरी चाय तो चाय हसबेंड ने चढ़ा दी है और मैं प्रेपरेशन कर रही हूँ तब तक बीच बीच में जो भी मुझे प्रीप्रेप करना है खाने का उसका चाय पत्ती खुशबू होती है न चाय बन रही है उधर कुल्लड़ जो है उधर वो पक रहे हैं थोड़ा सा गर्म हो रहा है पर यहाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ आलू दम की तो इसके लिए मैं यहाँ पे छील रही हूँ आलू उसको छील लेते हैं फटाफट -पट। चाय बनाने का और पीने का सबसे जो बेस्ट पार्ट है ना वो ये बबल्स को देखना पता नहीं क्यों मुझे इतने सुंदर लगते हैं ना इतने अच्छे लगते हैं कि ना भी चाय पीने का मन हो तो इनको देख के पीने का मन हो जाता है और वैसे भी मिट्टी के बर्तन में इस तरीके से चाय को जब हम तंदूरी चाय मतलब हम जब बनाते हैं और उसी में पीते हैं तो जो स्वाद आता है ना वो अलग ही लेवल का होता है तो अभी ये हमने केसर वाली चाय बनाई थी तो चाय जब उबाली थी उस टाइम भी हमने उसमें केसर डाला था इलायची वगैरह डाली थी और सर्व करने के लिए भी हमने ऊपर से थोड़ा सा केसर इसके ऊपर एज़ अ गार्निश डाला है तो ये आज की हमारी तंदूरी चाय इसको पीते हैं थोड़ा सा एनर्जी और थोड़ा सा मूड रिफ़्रेश करते हैं इसके बाद हम लोग लगेंगे खाना बनाने के काम पे जिसकी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल करके गोभी रख दी है थोड़ा सा तेज गरम पानी में उसको थोड़ी देर डुबो के रखूंगी और यहाँ पे दम आलू बनाने के लिए मैं आलू को बॉइल करने जा रही हूँ मैं इसको प्रेशर कुक नहीं करना चाहती थी इस डर में कि कहीं ओवर कुक ना हो जाए इसको एक ही साइज़ के मैंने सारे आलू लिए थे और उनको बीच में से कट करके मैंने ऐसा कुछ बड़े बड़े टुकड़े लिए हैं आलू के और इसको मैं हल्का सा नमक डाल करके बॉयल करूँगी हमें इसे पूरा बॉयल नहीं करना है हमें इसको सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ही बॉयल करना है यहाँ पर आप रिम देख सकते हैं ये रेड टर्न हो गई है बिकॉज़ ये पानी बॉयल हो रहा है और काफ़ी गर्म हो चुका है पैन आलू भी लगभग हो ही चुके हैं तो अभी हम इसको खाली कर लेते हैं और इसको पानी में बिल्कुल नहीं छोड़ना है पानी से अलग तुरंत हटा लेना है जैसे ही आपको लगे कि 60 टू 70 परसेंट ये हो चुके हैं आप इनको पानी से अलग कर लीजिए नहीं तो ये पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर एकदम पिच पिचपिचे से हो जाते हैं हमें वैसा नहीं करना है अभी मेरे दिमाग में जो सब्जियां बनाना है उसमें से एक आलू गोभी है और एक ये दम आलू है क्योंकि हम यहाँ पे गेस्ट मेन्यू बना रहे हैं तो जब भी हम गेस्ट के लिए या किसी स्पेशल डे के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हर चीज थोड़ा स्पेशल तरीके से बनाते हैं तो तेल मैंने चढ़ा दिया है स्पेशल तरीके की सब्ज़ी बन रही है तो इसमें फ्राइंग तो थोड़ा बहुत इंक्लूड होगा ही तो इसमें मैं फ्राई करने वाली हूँ आलू गोभी जो बना रही हूँ उसके लिए आलू और गोभी दोनों मैं फ्राई करके निकालूंगी और साथ ही दम आलू के लिए ये जो आलू हैं ये भी फ्राई होंगे तो इसीलिए मैंने कढ़ाई एक ही बार चढ़ाई है और तीनों चीज़ें मैं एक ही साथ फ्राई करके निकाल लूँगी तो तीनों चीज़ प्रिपेयर कर ली है मैंने जब तक आलू उबल रहा था तो ये इस तरीके से लंबे लंबे मोटे मोटे करके मैंने आलू भी काट लिए गोभी भी काट ली तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं और कई कमेंट मैंने पढ़े हैं कि लोग कहते हैं कि आप इतना ऑयली या इतना स्पेशल खाना एवरीडे कैसे बनाते हो तो देखिए मैं ना सिर्फ़ आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं करती हूँ कि सिर्फ मैंने क्या बनाया हमने क्या खाया वो शेयर करूँ मैं आप लोगों के साथ नई रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ लंच आइडियाज़ डिनर आइडियाज़ गेस्ट मेन्यू थाली रेसिपीज़ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तो मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि जो मैंने बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं बेसिकली आप लोगों के लिए भी बनाती हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ नई नई चीज़ें एवरीडे शेयर कर सकूँ तो इसके लिए मैं ज़्यादा ये बनाती हूँ और वैसे भी जो रेसिपीज़ आप देखते हैं मेरे चैनल पर वो रेसिपीज़ हम सिर्फ दिन में एक बार या कभी कभी तो आजकल तो मैं दो दिन पे एक बार वीडियोस डालती हूँ तो फिर वो दो दिन की ए, दो दिन में एक बार का वो खाना होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बाकी इसके अलावा जो भी हम खाना खाते हैं वो हम एवरीडे खाना ही खाते हैं लाइक बहुत ही लेस ऑयल के साथ में और हम लोग भुजिया बहुत खाना पसंद करते हैं जिसमें मसाले वगैरह ना के बराबर या नहीं होते हैं तो ज़्यादातर तो हम वही बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हम एक ही तरीके का स्पेशल खाना खाते हैं हर तरीके का खाना हम खाना पसंद करते हैं जैसे आज हमने सुबह से लेकर ब्रेकफास्ट से लेकर अभी रात तक सिर्फ फ्रूट्स खाए हैं और उपमा खाया है हम सभी ने उपमा बनाया था सिंपल सा मैंने वेजिटेबल्स डाल करके तो वो खाया और बस हमने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे तो अगर रात में हम थोड़ा सा हैवी खा लेते हैं तो वो बैलेंस भी हो जाता है और उतना हैवी साइड आपको लगेगा नहीं दूसरा मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं तीन चार रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो हर रेसिपी का अलग फ्लेवर हो अलग अलग चीज़ों को जब आप बाइट करें ना तो उनसे अलग फ्लेवर आए तो इसीलिए जैसे कि आज मैं एक सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ आलू दम जो कि मसालेदार थोड़ा सा बनती है तो उसके अगेंस्ट जो भी मैं सब्ज़ी आपके साथ शेयर करूँगी वो सारे इसके कॉम्बिनेशन में एकदम परफेक्ट जाएंगी मतलब कि अगर ये मसालेदार है तो बाकी और जो सब्ज़ियाँ हैं वो थोड़ा कम मसालेदार होंगी और उनके फ्लेवर्स बहुत अलग होंगे ऐसा नहीं लगेगा कि एक ही मसाले के साथ एक ही जैसा सारी सब्जी बनाई है तो हमेशा मेरी थाली में मैं ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ कि कोई चीज़ कम मसालेदार हो कोई एकदम बिना मसाले के हो और किसी चीज़ में मसाला हो तो जब आप सारी चीज़ों को एक साथ खाते हैं ना तो एक बैलेंस अच्छा सा बनता है और इसमें हेल्दी चीज़ें भी मैंने बहुत सारी इंक्लूड की हैं जो आप अभी देखेंगे आगे चल के तो अभी इतनी सारी बातें मैं तो कर गई आपके साथ में लेकिन हमने यहाँ पे क्या क्या प्रिपेयर कर लिया और मैं बता देती हूँ हमने आलू गोभी और जो हमने दम आलू के लिए आलू बाल करके रखे थे उन सबको अच्छे से ब्राउन फ्राई कर लिया है यहाँ पे ये बथुआ है जिसको मैं उबलने के लिए चढ़ा रही हूँ तो बथुआ का रायता मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने इसको चढ़ा दिया है साथ ही अभी पिछली कुछ क्लिप्स में आपने देखा होगा कि मैंने जो कश्मीरी सूखी लाल मिर्च होती है उसको मैंने उसके बीज हटा दिए थे और उसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था तो वो मैं पेस्ट करूँगी इसी के साथ में जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तो जिंजर लिया है थोड़ा सा गार्लिक लिया है और मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं तीन टमाटर थे ये और इसके साथ में जो हमने भिगो करके कश्मीरी लाल मिर्च रखी थी वो भी हमने इसके अंदर डाल दी और इसका एक बढ़िया सा हम पेस्ट बना लेंगे सारे छोटे छोटे प्रीपेप हो चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं दम आलू की रेसिपी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है इसके अंदर दो तीन लौंग दो इलायची दो छोटे साइज के तेज पत्ता एक बड़ी इलायची मैंने ऐड किया है साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा हींग डालूंगी जीरा डालूंगी एक छोटा चम्मच और इसके अंदर फिर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा सौंफ तो ये एक छोटा चम्मच से भी कम मैं कहूँगी सौंफ मैंने इसके अंदर ऐड किया है इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आप चाहें तो आप पंच फोरन भी इसमें ऐड कर सकते हैं बट अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही बना रही हूँ उसके बाद दो मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने स्लाइस किया हुआ है दम आलू में इस तरीके से स्लाइस किए हुए प्याज़ का फ्लेवर और इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है तो अब हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इनका कलर हो गया है चेंज तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने आ, मसाला पीस करके रखा था कश्मीरी लाल मिर्च जिंजर गार्लिक और टमाटर का ये हम इसके अंदर डाल देंगे इसको अच्छी तरीके से अब हमें भूनना है जब तक कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं होने लगता चलिए अब इसके अंदर हम मसाला ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर धनिया का पाउडर हल्दी का पाउडर थोड़ा सा हम जीरा का पाउडर इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे बाकी इसमें गरम मसाला पड़ता है तो हम लास्ट में डालेंगे तो मसाले बहुत ही सिंपल हैं और एक दम आलू बनता है बहुत ही स्पेशल मसाले के साथ में जिसमें हम स्पेशली मसाला प्रिपेयर करते हैं उसकी रेसिपी मैं कभी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी अभी यहाँ पर हमें अच्छे से इनको भून लेना है मसाला अच्छे से भून गया था खुशबू आने लगी थी तो जस्ट हम इसमें पानी ऐड कर देंगे अपने हिसाब से जितना गाढ़ा पतला या बिल्कुल आपको लटपटा सा रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिए थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए और ये जो ग्रेवी है इसको हम अच्छे से पहले बॉयल लगा लेंगे जब इसमें अच्छा सा बॉईल लग जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे आलू ऐड करने के बाद आपको इसे तीन से चार मिनट तक ढक करके पकाना है और ये आप ग्रेवी अभी देख लीजिए ग्रेवी जब तक इसके ऊपर अच्छा सा तेल नहीं आने लगता ग्रेवी अच्छी तरीके से पकी पकी नहीं हो जाती आपको तब तक इसे कुक करना है तो लगभग तीन साढ़े तीन चार मिनट में ये बहुत अच्छे से पक कर के तैयार हो जाएगी अभी आप देख सकते हैं लगभग दो मिनट हो गए लेकिन ग्रेवी का कलर अभी वैसा नहीं आया जैसा अभी हमें चाहिए अभी इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है गरम मसाला घर पे बना हुआ इसको ढक देंगे डेढ़ से दो मिनट हम इसको और कुक करेंगे और उसके बाद आप इसको जब ढक्कन खोल के देखेंगे ना तो आपको परफेक्ट ग्रेवी मिलेगी आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेवी एकदम परफेक्ट हो चुकी है देख के यही लग रही है कि ये कुक हो चुकी है आलू तो ऑलरेडी अच्छे से कुक ही हैं और आलू के अंदर तक जो सारा फ्लेवर है वो चला जाएगा थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए लगभग बनाने के ना आधा पौन घंटे बाद इसको आप सर्व करेंगे तो इसका जो एक्चुअल फ़्लेवर है अच्छा सा फ्लेवर वो उसके बाद ही आएगा और ये हमारे बिल्कुल इजी एंड यमी दम आलू की रेसिपी तैयार है जो दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं खाने में भी उतने अच्छे हैं पूड़ी के साथ पराठे के साथ इवन राइस के साथ भी ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं तो चलिए अब दूसरी सब्जी हम बनाना स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है इसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं है और बहुत हेल्दी है बिकॉज़ हम इसमें पालक का इस्तेमाल करने वाले हैं और पनीर का पालक पनीर सुन के लगता है कि बस पालक ही पनीर बनेगा वो जो हम पालक वालक पीस के बनाते हैं लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से बना रहे हैं इसके अंदर हम कोई क्रीम वगैरह भी यूज़ नहीं करेंगे बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है मस्ट ट्राई है एक बार मेरे कहने पे इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस सब्जी के आप फ़ैन हो जाने वाले हो तो यहाँ पे आपने देखा मैंने थोड़ा सा पनीर को फ्राई करके निकाल लिया है ये ज़रूर करिएगा पनीर को फ़्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद सेम ऑयल में हमने थोड़ा सा जीरा डाला है बस कोई खड़े मसाले वगैरह कुछ मत डालिएगा सिर्फ जीरा पड़ेगा और यहाँ पर एक प्याज़ को हमने छोटा छोटा चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम भून लेंगे उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसको मैंने रफ़ली चॉप किया हुआ है ये भी हम ऐड कर देंगे साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा नमक और इसको अच्छी तरीके से हम भून लेने वाले हैं जब तक कि ये टमाटर अच्छी तरीके से गल ना जाए तो मैं इसको ढक नहीं रही हूँ जस्ट भून भून के ही मैं इसको पका लेने वाली हूँ प्याज टमाटर अच्छे से भून गए थे पक गए थे तो अभी हम इसके अंदर ये हाफ़ के जी तक पालक होगा जिसको मैंने सुधार लिया अच्छे से वॉश करके इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एज़ इट इज़ इसको कुछ उबालना उबालना पेस्ट करना कुछ भी नहीं है इसको ऐसे ही ऐड कर दीजिए अच्छी तरीके से मिला दीजिए थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए ढक दीजिए इसको और तब तक हमें पका लेना है जब तक ये पालक अच्छी तरीके से कुक नहीं हो जाता पालक यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से हो चुका है तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये पनीर और पनीर डालने के बाद आपको इसे ढकना नहीं है जस्ट खुला आप इसको भून लीजिए एक से दो मिनट कि पालक और पनीर आपस में मिक्स होकर भुन जाएँ बस इस सब्ज़ी के अंदर हमने कोई मसाला यूज़ नहीं किया ना ही ज़्यादा तेल डाला है ना ही कोई डीप फ्राइंग हुई है इसके अंदर पालक है इसके अंदर प्रोटीन है पनीर के तौर पे, तो ये सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी है एवरी डे तौर पे भी आप इसको खा सकते हो और टेस्ट वाइज तो ये बहुत ही अच्छी लगती है किसी भी गेस्ट मेन्यू का आप इसको साइड डिश की तरह बना सकते हैं ये बहुत सबको पसंद आएगी चलिए फटाफट अब बना लेते हैं थर्ड सब्जी जो कि आलू गोभी की है जिसकी थोड़ी बहुत तैयारी तो आपने देख ही ली है सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई में लिया है ऑयल इसके अंदर हमने तेज पत्ता बड़ी इलायची और जीरा ऐड किया है और ये सब्ज़ी कोशिश कीजिएगा कि लोहे की कढ़ाई में बनाइए तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके बाद मैंने रफ़ली चॉप किए हुए अनियन इसके अंदर डाले हैं लगभग डेढ़ प्याज है ये जब तक प्याज वहाँ पे फ्राई हो रहा है हम यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक लेंगे और इसको कूट लेंगे इस सब्ज़ी के अंदर पिसा हुआ या फिर ग्रेट किया हुआ जिंजर गार्लिक से ज़्यादा अच्छा टेस्ट कूटे हुए जिंजर गार्लिक का आता है तो इसीलिए थोड़ा सा नमक डाल करके जिंजर गार्लिक मैंने कूट लिया है प्याज़ भी यहाँ पे देखिए थोड़ा ब्राउन हो गया कलर चेंज हो गया तो हम इसमें जिंजर गार्लिक ऐड कर देंगे तीनों चीज़ों को मिला करके अच्छी तरीके से अब भून लीजिए जब तक रॉ स्मेल जिंजर गार्लिक की नहीं चली जाती उसके बाद हम इसके अंदर मोटे मोटे कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर इसी तरह के कटे हुए टमाटर आप ऐड कीजिएगा फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और देखने में भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है इसको अभी हम ढक देते हैं थोड़ा सा ये कुक हो जाए यहाँ पे देखिए कि जो टमाटर हैं वो थोड़ा सा गल गए हैं तो अभी हम इसके अंदर मसाले मिला देंगे मसाले यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं बहुत हल्के हल्के डाल रहे हैं क्योंकि आलू गोभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है तो उसके लिए जस्ट हमने आधा छोटी चम्मच से भी कम लाल मिर्च डाला है वन फोर्थ टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाला है इसमें हल्दी पाउडर भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है और एक छोटी चम्मच से भी कम हमने धनिया पाउडर डाला है बस इसमें कुछ भी गरम मसाला या कुछ भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ ये सब्ज़ी में अपना फ़्लेवर जो होता है वो इन वेजिस से आता है इसके अंदर जो आलू गोभी टमाटर ये सब हम यूज़ कर रहे हैं ना इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है कोई बहुत ज़्यादा मसाले की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्योंकि हमने आलू और गोभी फ्राई किया है तो फ़्लेवर और ज़्यादा निखर के आएगा आप इसको ट्राई करके देखिएगा गोभी की सब्ज़ी आप हल्के मसालों के साथ बनाओ ज़्यादा मसालों के साथ बनाओ या बिना मसाले के बनाओ गोभी का फ्लेवर ही अपने आप में इतना अच्छा होता है कि वो हर तरीके से अच्छी लगती है तो बस इसको अच्छी तरीके से आप मिला दीजिए नमक भी ऐड कर दिया है मैंने अब इसके अंदर एक से दो चम्मच आप पानी डाल दीजिए ताकि मसाले वगैरह नीचे जमे नहीं लगे नहीं बाकी इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना ये सूखी सब्ज़ी हमको बना के तैयार करनी है तो दो चम्मच पानी डाल करके मैंने इसको ढक दिया है और बीच बीच में चलाते हुए आप इसको तब तक पका लीजिए जब तक आपका ये जो गोभी है और आलू है ये अच्छी तरीके से कुक नहीं हो जाते आलू तो वैसे फ्राई करने में ही कुक हो जाते हैं लेकिन गोभी कई बार फ्राई करने में पूरी तरीके से कुक नहीं होती है तो जब तक ये अच्छी तरीके से पक नहीं जाते इनको कुक कर ली कुक कर लीजिए आप ढक करके उसके बाद हम लेट हटाएँगे लास्ट में इसके अंदर डालेंगे ढेर सारे धनिया के पत्ते ये बहुत ज़रूरी है धनिया के पत्ते इसमें खूब सारे डालिएगा बहुत अच्छा इससे फ़्लेवर आता है और लास्ट में एक और चीज़ है गोभी की सब्ज़ी में वो मत भूलिएगा इसको थोड़ा सा भूनना तो जैसे ही आपकी सब्ज़ी आपको लगे पक गई है तो ढक्कन हटाइए और लगभग डेढ़ मिनट तक आप इसको इस तरीके से मीडियम हाई फ्लेम पे भूनिए इससे बहुत बहुत अंतर पड़ता है आपके एंड रिज़ल्ट आप देखिएगा ऐसे भुनी हुई सब्ज़ी टेस्ट वाइज बहुत अच्छी लगती है खाने में तो तीनों तरह की हमारी सब्ज़ी बन चुकी हैं अभी मैं यहाँ पर राइस बना रही हूँ तो मटर पुलाव यहाँ पर बना रही हूँ मैं राइस भी हो गया है चलिए फटाफट हम रायता बना लेते हैं तो ये हमने चढ़ाया था उबलने के लिए आप लोगों ने देखा होगा बथुआ ये उबल गया था हमने इसको बंद कर दिया और ये अच्छे से ठंडा भी हो गया तो अभी हमें इसको पीसना है सिंपल सी बथुआ की रायता की रेसिपी है लेकिन विंटर्स में जब भी आपके घर मेहमान आएँ या किसी स्पेशल डे के लिए आप कुकिंग करें तो ये मत भूलिएगा बिकॉज़ बूंदी का रायता या सिंपल दही तो हम हमेशा ही खाते हैं लेकिन बथुए का रायता विंटर का एक स्पेशल चीज़ है और अगर आप कोई थाली बना रहे हैं या गेस्ट के लिए कुक कर रहे हैं तो ये होना ही चाहिए और इसको बनाना भी बहुत सिंपल है तो हमने बथुआ पीस करके तैयार कर लिया है और यहाँ पर हमने दही लिया है इसको अच्छी तरीके से आप फेंट लीजिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये बथुआ का पेस्ट और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काला नमक आधा कप तक मैं इसके अंदर पानी भी डाली हूँ क्योंकि ये रायता ना बहुत पतला होता है ना बहुत गाढ़ा होता है तो इसीलिए थोड़ा सा इसको मीडियम कंसिस्टेंसी में हमको रखना है तो थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करें आप इसमें फिर मैं इसके अंदर ऐड रही हूँ काला नमक अभी हम इसके अंदर एक तड़का लगाने वाले हैं आप चाहें तो भुने हुए जीरे का पाउडर भी इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं लेकिन क्योंकि मैं जीरे का ही तड़का लगाने वाली हूँ इसलिए मैं भुना हुआ जीरा नहीं डाल रही हूँ तो तड़के के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है इसके अंदर हम जो छोटे वाले राई के दाने आते हैं वो थोड़े से ऐड करेंगे जब वो अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाएंगे तो हम इसके अंदर जीरा ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच उसके साथ ही हमने हरी मिर्च और दो चुटकी हींग भी इसके अंदर डाली है बस ये तड़का आप लगा दीजिए और ये हमारा रायता बनके तैयार है ये बहुत यमी बनता है इसको ट्राई ज़रूर करना अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो थाली में तीन सब्जियां क्यों रखें क्यों ना एक चौथी भी ऐड कर लें तो यहाँ पे छोटे वाले जो बैंगन होते हैं मैंने ये लिए हैं और इनकी भी एकदम सिंपलेस्ट मैं यहाँ पे एक सब्जी बनाने वाली हूँ जो एक एडिशन ऐड करेगी हमारी थाली में बैंगन के इस तरीके से बीच में से चार टुकड़े तो हमें करने हैं लेकिन इनको अलग नहीं करना है और डंठल भी नहीं हटाना है अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कोई कीड़ा वगैरह ना हो उसके बाद एक मसाला हम प्रिपेयर करेंगे जो कि बहुत सिंपल सा है नमक लेंगे हल्दी लेंगे लाल मिर्च का पाउडर लेंगे और इसके अंदर हम अमचूर पाउडर ऐड करेंगे आप चाहें तो और मसाले भी मिला सकते हैं लाइक गरम मसाला धनिया पाउडर बहुत सारी चीज़ें लेकिन मैं इसको सिंपल रख रही हूँ और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी मैंने इसमें ऐड किया ये सारे मसाले हमने मिला लिए हैं और जो ये हमने टुकड़े किए हैं ना बैंगन के इनके सारे बीच में हम ये मसाला थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन चुटकी भर देंगे और इस तरीके से करके हम सारे बैंगन फिल करके तैयार कर लेंगे अभी थोड़ा सा एक छोटा चम्मच के आसपास हम ऑयल लेंगे एक पैन के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा हींग डालेंगे साथ ही हम थोड़ा सा जीरा भी इसके अंदर ऐड करेंगे और जो हमने बैंगन भर करके रखे थे मसाले के साथ में वो हम इसमें ऐड कर देंगे और बस इसको आप भून करके ढक करके पका लीजिए तब तक जब तक बैंगन आपके अच्छी तरीके से कुक नहीं हो जाते हम यहाँ पे गेस्ट मेन्यू बना रहे हैं तो रोटी से तो काम चले गए नहीं थाली में पूड़ी और पापड़ तो ज़रूर होने चाहिए और वैसे भी जो हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया है आलू गोभी दम आलू उसके साथ में पूरी खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पे पूरी बना रही हूँ और ये है आज का हमारा गेस्ट मेन्यू जिसके अंदर चार तरह की सब्ज़ी है पूरी है राइस है रायता है और साथ ही में सेवैयों का मीठा हमने बनाया जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया बिकॉज सिंपल तरीके से सेवैयाँ हमने बनाई थी तो ये है आज का गेस्ट मेन्यू होपफुली uh, आप लोगों को एक बेहतर आइडिया लगा होगा और कुछ बहुत रेसिपीज़ तो मिल ही गई होंगी आप इनको अपने डेली खाने में भी बना सकते हो पूरा मेन्यू मत बनाइएगा इनमें से एक एकाद चीज़ बना लीजिएगा लेकिन किसी गेस्ट के लिए या फिर स्पेशल uh, कुछ कुकिंग आप कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी ये सारी चीज़ें आप एक बार बना के देखिएगा साथ में सारी चीज़ों के फ्लेवर एकदम अलग अलग और थाली एकदम फुल ऑफ फ्लेवर्स आपको लगेगी तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा सबसे पहले काम क्या किया फटाफट सजी वाली थाली साइड कर ली इसको पता है ना कि आपकी थी तो उसने साइड कर ली तो चलेगा नहीं भाई साहब सजा मिलेगी जरूर मिलेगी कल दो घंटे घंटे चार घंटे पढ़ोगे तुम सिद्धार्थ कौन सा बोलता आलू दम क्या बोलता बेटा वो गांव में सीखा है क्या आलू दम आलू दम मसाला कम क्या बोलता बाबू सिद्धार्थ तुम बताना झूठ ना बोलो बोला नहीं इसको तो <laughs> गांव में किसने सिखाया था चाची ने सिखाया था दादी ने दादी ने सिखाया हां बोलो तो ना एक बार आलू तो मसाला को मम सिद्धार्थ की मम्मा नाचे चमचम चम चम सिद्धार्थ की मम्मा नाचे चम ये पता नहीं क्या है सही कह रहा हूं बेटा वो तो नाच ही रही है सुबह से एक खाना मांग ले दे वुड यू लाइक टू हैव दिस और मैं ले अच्छा गोभी की सब्जी ले चुके हो और आलू तुम खा के तो मैं रुक ही नहीं पाया नहीं। 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 बहुत बढ़िया हम्म आलू दम कैसा सब कुछ बहुत बढ़िया तो ये थी आज की मेरी मेहनत होपफुली आप लोगों को ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी अगर इनमें से कोई भी रेसिपी पसंद आई उसको ट्राई कीजिएगा रिव्यू मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जैसा कि आप हमेशा करते हैं बहुत सारे मेरे को कमेंट आते हैं कि आपकी ये रेसिपी हमने ट्राई की मेरे घर में सबको पसंद आई तो सच मानिए मेरे दिल को इससे ज़्यादा खुशी कोई और चीज़ दे ही नहीं सकती जब इस टाइप के कमेंट मैं पढ़ती हूँ तो कमेंट अपना रिव्यू ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा चलिए आज की वीडियो में ही पेंड करती हूँ मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर Bye bye.